नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकफास्ट के अंदर हम बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज बनाते हैं और आज मैं आपके साथ में मैक्सिकन की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं मैक्सिकन तमाले बनाने वाली हूँ, जिसे हम बिना ऑयल के बनाने वाले हैं, जो बहुत ही टेस्टी है। ये रेसिपी को मकई के पत्तों के अंदर बनाया जाता है, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो चलिए मैक्सिकन तमाले बनाना शुरू करते हैं। मैक्सिकन तमाले बनाने के लिए पहले हम मिश्रण तैयार करना है, वो कर लेते हैं। मैंने आधा कप सूजी ले ली है। मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल हम उपमा के लिए सूजी लेते हैं वो ली है। अगर आप चाहें तो बारीक वाली सूजी का भी उपयोग कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून दही, आधा कप पानी। जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। अब मैं दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैक्सिकन तमाले बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। दोस्तों, हमने इसमें बिल्कुल भी तेल का उपयोग नहीं किया है, फिर भी ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। जब तक हमारा मिश्रण रेस्ट हो रहा है, तब तक हम कॉर्न को ग्राइंड कर लेंगे। मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है और उसके अंदर मैं आधा कप मकई के दाने डाल देती हूँ। मैंने मकई को बॉईल कर लिया था, मैंने वो लिया है। इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्ट तैयार कर ली है। अब हम इसका मिश्रण बना लेते हैं। सूजी का मिश्रण तैयार हो चुका है। अभी हमने जो मकई को क्रश किया है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आधा कप मकई के दाने। मैं मकई को दोनों प्रकार से डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, आधा टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टेबलस्पून ओरिगेनो। दोस्तों, इसमें बहुत ही चुटकी हल्दी पड़ती है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, आधा कप प्रोसेस चीज़। चीज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। मैक्सिकन तमाले बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप इसको खाते ही रहेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी के अंदर हम बिना तले बिना ऑयल के ये बनाने वाले हैं, फिर भी ये बहुत ही टेम्पटिंग है। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं इसके अंदर आधा कप धनिया डाल देती हूँ। दोस्तों, इसके अंदर पार्सली डाली जाती है, पर मेरे पास अभी पार्सली नहीं है तो मैं इसके अंदर धनिया डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इसके अंदर 2 चुटकी खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। मैक्सिकन तमाले का मिश्रण तैयार हो चुका है। दोस्तों, इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। तब तक हम इसे स्टीम करने वाले हैं, वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं स्टैंड रख देती हूँ और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। इसे मैं मीडियम आंच के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। अब हम तमाले बना लेते हैं। हमारा मिश्रण रेस्ट होके रेडी हो चुका है। दोस्तों, ये जो हमारे मकई होते हैं उसके पत्ते हैं, मैंने इस प्रकार से इसे कट कर लिए हैं। उसके ऊपर मैं ब्रश से ऑयल लगा देती हूँ। दोस्तों, अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से स्टीम होते हैं, पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे। और उसके ऊपर मैं दूसरा पत्ता रख के भी उस पर ऑयल लगा देती हूँ। अभी हमने जो तमाले का मिश्रण तैयार किया है उसे मैं मकई के पत्तों के ऊपर रख देती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारा मिश्रण तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों, मैंने ये छन्नी ले ली है और नीचे एक प्लेट रख दी है और इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से हमारे पत्ते बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। अभी हमने जो मिश्रण तैयार किया है उसे मैं पैक कर लेती हूँ। इस प्रकार से स्टेपलर से इसे मैं पैक कर लूंगी। मकई के पत्तों के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे हम स्टेपलर से पिन लगा देंगे। दोस्तों, जब भी आप इसे खाएं तभी बहुत ही ध्यान से स्टेपलर की पिन निकाल दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे टूथपिक भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास अभी टूथपिक अवेलेबल नहीं है तो मैं स्टेपलर से पिन करती हूँ। मैंने सारे पत्तों को ट्रे के अंदर अरेंज कर लिया है। अब मैं इसे स्टीम करने के लिए रख देती हूँ।
दोस्तों स्टीमर भी रेडी हो चुका है। अभी हमने जो तमाले रेडी किए हैं उसे मैं रख देती हूँ और इसे मैं मीडियम आंच के ऊपर 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। नाइफ डाल के इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम क्लीन आ चुकी है, तमाले रेडी हो चुके हैं। आप इसको डायरेक्टली ही सर्व कर सकते हैं। मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। दोस्तों हमने जो स्टेपलर की पिन लगाई है उसे ध्यान से निकाल लेंगे। उसके ऊपर मैं ग्रेट किया हुआ चीज डाल देती हूँ, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ऊपर मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स रख देती हूँ। हमारे टेस्टी हेल्थी डिलीशियस मैक्सिकन तमाले बनके तैयार हैं। दोस्तों हमने इसे बिना ऑयल के बनाया है जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।